नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, चीन के कई आदमी बंधक बनाए जा चुके हैं। जी हाँ, ये जानकर आप लोगों को काफ़ी खुशी होगी और काफ़ी हैरानी भी होंगी, क्योंकि खबर ही आज कुछ ऐसी निकल कर आ रही है। और चीन को किस प्रकार भारत ने धूल चटाई है, इस विषय में भी आपको सारी सारी जानकारी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। उससे पहले, अगर डेली डिफेंस अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चीन अपनी फिराक में लगा रहता है कि कब यह किस देश पर कब्जा करे, कब यह किस जमीन पर हत्याए। तो ऐसे ही दोस्तों, चीन की एक नाकामयाब चाल भारत की ओर बढ़ रही थी और यह भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल भारत में चीनी कंपनी आई हुई थी जिन पर चीन के लोग भारत में षड्यंत्र रच रहे थे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन अलग अलग तरीकों से घुसपैठ करता रहता है, यह सैन्य तरीकों से भी घुसपैठ करता है। और दोस्तों, चाहे चीन अपनी कंपनी को किसी और देश में लगाए और वहां पर निवेश करना हो, या फिर किसी भी देश को पैसे दे देकर उसको अपने कब्जे में या अपने अंडरग्राउंड में रखने के चाल, और यह चीन धड़ल्ले से इन सभी कार्य को करता रहता है। दोस्तों, ये खबर टेलीकॉम कंपनी से निकल कर आ रही है कि टेलीकॉम कंपनी जो चीन की थी, वह उसमें भीषण आग लग गया और वहां के जो कर्मचारी हैं उनको बंधक बना लिया है। और दोस्तों, यह जो है अपडेट, या कहें यह जो कंपनी थी वो पाकिस्तान में थी। आप चाहे तो इसे खुशियां मना सकते हैं, आप अपने होश उड़ा सकते हैं। पाकिस्तान में एक कंपनी थी और वहां पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कर्ज चीन से ले चुका है, और ऐसे में वो चीन को किस प्रकार बंधक बना सकता है, आप सुनिएगा। और ये दोस्तों, खबर जो निकल कर आ रही है, ये बलूचिस्तान की कंपनी थी जो कि चीनी कंपनी थी, चीनी ने निवेश किया था और वहाँ के आर्मी ने यहाँ के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 6 कर्मचारियों को, यानी कि आधा दर्जन कर्मचारियों को बंधक बनाया गया है। और दोस्तों, बलूचिस्तान के जितने भी बंदे हैं या आर्मी हैं, वह इन सभी को छोड़ने के लिए अपनी अपनी डिमांड रख रही हैं। और चीन के घुसपैठ से बलूचिस्तान के नागरिक बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं, जिनकी वजह से यह बंधक बनाया गया है। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लोग दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।